का जो बालक है पैदा होगा नरभर में, शनिचर पैदा होगा रात भंग हो जाएगी, और उस बालक की आवाज सुनोगे प्रथम कान के बहरे हो जाओगे, आंखों देखोगे अंधे हो जाओगे, और उंगली पकड़ कर चलोगे तो तुम्हारे कुष्ठ रोग हो जाएगा। कौन ही पत्र पूरा लिख लिया है, अब चलना चाहिए राजा प्रथम पास में। अब भैया महक वाले सो रहे हो, हमारी आवाज जा रही है, बिल्कुल आवाज तो बैतो नगटो करती हैं, आज पंडितो नगटो करे जा रही है, चप्पल ही छोड़ दे घर में, अब है देखो ऐसो नगटो बनाई दे, उन्होंने साड़ी फाड़ ले ब्लाउज फाड़ लो, ऐसी ऐसी बात आज हम भी त्रियाचरित खेलेंगे कैसे। हेलो 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 अरे ये बताओ आपकी दशा क्या है? कुछ पूछो ना महाराज, हम इतने जोर भरे हैं काशी नगर से, अच्छा रास्ता में कई जगह गिर पड़े, ऐसी क्या बात है आप क्यों भरे हो? वेद हमारो आज बताओ दे, अच्छा कोई नहीं नरबर की जाना से तासे राजन भाग के बच जाए तुम्हारो राज। ऐसी क्या बात है महाराज? में क्या लिखा है? जब हमने वेद में देखा तो मैं भागते हुए यहाँ आया हूँ, तो सुनिए महाराज। हाँ बताओ क्या बात है? एक जन्म शनिचर मंझाली। क्या कहा? अरे आपने क्या कहा? हमारी रानी मंझा गर्व से है। हाँ गर्व से है, ये तो खुशी की बात है। नहीं महाराज, आज देखो दुख का कारण हो गया, आज है, आज मेरे वेद ने सही बताया है, मैं सत्य कहता हूँ महाराज। जो बालक को जन्म देगी मंझा, तो सुनो महाराज क्या है इसमें? ऐसा सुनो, चलो जन्म आए मंझा नरबर हुई जाए बंटा ढार, बालक की आवाज सुनाऊंगा कान न भैरे तुम हो जाओ, आंख न दिखिया उस बालक का वंदे तुम महाराज हो जाओ, यानी आंखों से देखेंगे तो हो जाएंगे। अगर उंगली पकड़ी महाराज तुमने उस बालक, अच्छा तो आपके कुष्ठ रोग हो जाएगा। अरे बेद गमार हो साची कहिरो,
आपने कहा है अयोध्या का वनवास कर दो। हाँ, ये वेद हमारा झूठा नहीं मारा, सच कह रहा है। मैं भागते यहाँ आया हूँ। ये समझ लो, अगर कोई गलत बात हुई तो पंडित जी तुम्हारे मैं परिवार से सबको दीवार में चढ़वा दूंगा। महाराज, हमें सोने पर चढ़वा दियो, चाहे हमारे प्राण कैसे भी ले लियो, लेकिन मेरा वेद झूठा नहीं है। सुन लो महाराज, सायत घरी जाया जकी राजन, तुम मंझा को करो बर्बाद, अरे खल्लू कनाक का बुलावा, यानी आज की साइज है मध्या का वनवास लिख दूंगा। बिल्कुल वनवास कर दो। और एक बात महाराज है, वनवास करते समय शर्त है। क्या है? आखिर पट्टी आपके बधियाई, अच्छा मंझा की सकल देखाओगे नहीं, बिना ही बोले उसरनिया को करियो तुम वनवास। आपके आंखों में पट्टी होगी, वो कितना रोए कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन उसकी एक बात आप नहीं सुनोगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है मेरी लाज भंग हो जाएगी, मैं कोड़ी हो जाऊंगा, आंखों से अंधा हो जाऊंगा, ऐसे का मुख नहीं देख सकता हूँ मैं, उसका वनवास हमेशा लिखता हूँ मैं। महाराज, कई वर्षों से आपका ही भला चाहता आया है मेरा वंश। पोथीधर गंगाधर, हमारे यहाँ जितने भी पंडित होते जिजमानी करते, आपसे झूठ नहीं बोलता महाराज, सत्य कह रहा हूँ कि आप बैठिए और मंजा को मिलवाइए, कल्लू कहने को मिलवाइए। अभी मैं बनवास मुक्ता हूँ। हाँ दोस्तों, भोला के सुनने वाले सज्जनों ध्यान दे रहा, जवाब पंडित महाराज ने बताई है कि तुम्हारा राजभंग हो जाएगा, आंखों से देखोगे अंधे हो जाओगे, कानों से सुनोगे बहरे हो जाओगे। ऐसी मंथा को मैं एक पल नरवर धाम में नहीं रुकने दूंगा, उसका वनवास अभी लिखता हूँ। ध्यान दे रहा सुनो कहानी, सुन भैया ध्यान दे रखी बात, अरे लिखे वनवास प्यारी को पल भर नहीं रुकने दूंगा नवधाम में। अरे मांगाती मांगाती मान जाई घटे, ठीक है।